द रेडर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 11 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रत्यायन दिवस मतलब वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता गया है? 6 जून 7 जून 8 जून और 9 जून। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 9 जून। 9 जून को जो है हर एक साल वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? जो खाद्य सुरक्षा होती है, मतलब जैसे आपने देखा था 7 मई को जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था, सॉरी 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था। तो जो फूड डे तो मनाया गया था, लेकिन उस फूड सेफ्टी को और आगे बढ़ाने के लिए और वो फूड सेफ्टी जो है लॉजिस्टिक में जो है फूड सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए और लोगों के बारे में जागरूक करने के लिए, लाइक जैसे कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर हम लॉजिस्टिक का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे कोई वेंडर है और यहाँ पे कोई कस्टमर है, वेंडर कस्टमर तक सामान भेज रहा है तो वो लॉजिस्टिक का यूज करता है। तो लॉजिस्टिक के दौरान जो है सामानों की सुरक्षा के लिए, उसकी जो फूड्स है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस बार जो थीम है इसकी 2020 की एक्रेडिटेशन मतलब इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, मतलब फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। और ये कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है हर एक साल। वहीं पर बात करें बाकी दिनों की तो 6 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। RBI ने किसके लिए नए नियमों की सूची जारी की है? लोन सेल्स, सिक्योरिटीजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स और प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन और बोथ A and B। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ A and B। RBI ने जो लोन सेंस और स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए एक नए नियम्स रिलीज किए हैं, मतलब कुछ नए नियम्स बनाए हैं, उस नियम को हम देख लेते हैं। तो उनका नाम दिया गया है ड्राफ्ट कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ लोन एक्सपोजर। ये इस नाम है, आपको इसी नाम को बस याद रखना है कि जो आया था लोन उस किस नाम से आया था। और दूसरा है ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स। तो अब जो दोनों में मतलब क्या है, तो लोन एक्सपोजर में क्या है, तो वेरियस इशूज लाइक एसेट्स क्लैरिफिकेशन ऑफ द लोन टू बी ट्रांसफर्ड, नेचर ऑफ एंटिटी परचेजिंग लोन एंड मॉडल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोन। तो ये लोन से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखता है कि आप जो एंटिटी मतलब नेचर ऑफ एंटिटी भी देखता है, परचेजिंग लोन मतलब जो लोन को परचेज कर रहे हैं, मतलब जो लोन ले रहा है वो किस तरह के व्यक्ति है, किस तरह की संस्था है, इन सब चीज़ों को लेके, तो उसके लिए। और जो स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए मतलब जो भी आपका संपत्ति है जो लोन के लिए आप दे रहे हैं तो उस सब के लिए ऊपर कितना क्रेडिट रिस्क है उसको वो देखेगी। तो इसके लिए जो है ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, ये जो है दो रूल RBI ने रिलीज किए हैं। किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मणिपुर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजस्थान। नाम में ही राज कौशल मतलब राजस्थान कौशल। ये क्या है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर है जो बाहर से आ रहे हैं तो उन सबको जो है एक सेंट्रलाइज डेटा बनाने के लिए, सारे जो वर्कर्स हैं उनका सेंट्रलाइज डेटा बनाने के लिए जो है राज कौशल पोर्टल शुरू किया है। किसने? राजस्थान की सरकार ने। अगर राजस्थान के कुछ और करेंट अफेयर्स को देखें हम तो IUMO सेहत ऐप लॉन्च किया गया था, पर्यावरण संबंधी अपराधों में राजस्थान पहले स्थान पर, उसके बाद रैपिड टेस्टिंग में भी जो है राजस्थान ने शुरुआत किया था, पहला स्टेट बना था। फ्री बस फॉर ऑल सोल्जर्स मतलब जितने भी सैनिक हैं उनके लिए फ्री बस सुविधा होगी राजस्थान में। स्माइल इनिशिएटिव की शुरुआत भी राजस्थान में होगी, बहुत बार इसका फुल फॉर्म बता चुका हूँ। और ई पास के लिए राज कोऑप सिटीजन ऐप भी जो है लॉन्च किया है राजस्थान ने। और राजस्थान के जो अभी चीफ जस्टिस बने हैं इंद्रजीत मोहंती बने हैं। राजस्थान की बात करें तो एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी इसके जयपुर है, मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है, राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है पंचवटी योजना शुरू की है, इसमें क्या हुआ कि जो बाघ है मतलब जो बुजुर्गों के टहलने के लिए जो है मनरेगा के तहत बाघ लगाए जाएंगे, मतलब बाघ बगीचे को लगाया जाएगा। और जो अभी है स्टेट में जो अभी भी बाघ बगीचे है मतलब पहले से उनको और इम्प्रूव किया जाएगा, तो उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है पंचवटी योजना लॉन्च किया है। इससे पहले भी 2019 में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पंचवटी योजना लॉन्च किया था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि पंचवटी में 5 तरह के पेड़ आते हैं तो 5 तरह के पेड़ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार लगा रही थी। और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग अंतर है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है लोगों को रोजगार देने के लिए और
हरियाली को भी बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के तहत बाग लगा रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी जो है 5 तरह के पेड़ लगा रही थी, दोनों में थोड़ा अंतर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को ये गठन हुआ था, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी से शिमला है, राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। उत्सर्जन कम करने के लिए किसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? अदानी ग्रीन, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जो दोनों मिलकर जो है उत्सर्जन, जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, जो CO2 निकलता है, उसको जो है कम करने की कोशिश करेंगे अभी जो है। और बात करें अगर अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप को जो है इंडिया का सबसे बड़ा 45,000 करोड़ का जो है जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, वो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है, 45,000 करोड़ का ही है, तो ये अदानी ग्रुप को मिला है। वहीं पे हीरो मोटोकॉर्प ने जो है अपने गाड़ी को परचेज करने के लिए ई शॉप नाम का एक ऐप लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें अगर टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1986 को 1986 को हुआ था, और फाउंडर आनंद महिंद्रा है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन भी है, जो चेयरमैन भी इनका नाम आनंद महिंद्रा ही है, और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में, और इसके जो MD और CEO है उनका नाम है CP गुरनानी। किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया है? भारत, म्यांमार, चीन, दक्षिण कोरिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार की सेना जो है फिर से जो है फेसबुक का यूज करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली पहले इन्होंने सिक्योरिटी रीजन को लेकर, सुरक्षा कारणों को लेकर फेसबुक का यूज करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी जो है बहुत सारे फेक न्यूज़ जो फैल रहे थे सेना को लेकर, तो उसको जो है, और ये जो है सारे फेसबुक के थ्रू फैल रहे थे, तो उसको रोकने के लिए म्यांमार की सेना ने जो है अपने 2 ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट बनाए हैं, 2 ऑफिशियल अकाउंट बनाए हैं, और उस पर जो है इन्होंने फिर से फेसबुक स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। मेनली जो है इन्होंने फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए ये चीज़ किया है। बात करें म्यांमार की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, और इंडिया के बगल में जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और इंडिया के बगल में यहाँ पे ये पूरा म्यांमार है, यहाँ नीचे तक आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी इसका कल नैब पियादा बोलते हैं, और मुद्रा इसका म्यांमार क्वैत है, और राष्ट्रपति के नाम यू बिन मिंट है। हाल में ही आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 19 के बीच में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 400, 550, 638 और 750। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 750। ये जो अभी 2012 से जो है 2019 के बीच में इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, और कितनी हुई है, तो 750 बाघों की जो है विभिन्न तरीकों से, शिकार के कारण और नेचुरली डेथ दोनों मिला के जो है 750 बाघों की मृत्यु हुई है। फोन पे ने किसके साथ मिलकर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? HDFC एर्गो, बजाज इंडियंस, ICICI लैम्बोर्ड और क्लब महिंद्रा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ICICI लैम्बोर्ड। तो फोन पे ने जो है ICICI लैम्बोर्ड के साथ मिलकर 499 रुपये में जो है पूरे साल का कवर देने के लिए एक ट्रैवल प्लान लॉन्च किया है, और ये ट्रैवल प्लान होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, ये आपको इंटर कंट्री होगा, मतलब जो आप अगर इंडिया के अंदर जो है कहीं भी घूमते हैं, तो उसके लिए आप 499 रुपये में जो है फोन पे के थ्रू जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और पूरे साल भर के लिए ये आपको कवर देगा। अगर बात करें फोन पे की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और CEO का नाम जो है समीर निगम है। वहीं पे ICICI लैम्बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और जिसके MD और CEO है वो है भार्गव दासगुप्ता। किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर, किरण मजुमदार साहब, रंजीत कुमार और RK चेट्टी पंडिपति। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जो है एक स्पेस के क्षेत्र में एक एंटरप्रेन्योर है, और ये इंडिया से रहने रिलेट करते हैं, मतलब इंडिया के रहने वाले हैं, और ये पिछले 30 सालों से जो है नासा के साथ काम कर रहे हैं, और मेनली जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पे जो काम हो रहा है उसमें इन्होंने नासा को बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था, तो उसको लेकर नासा ने जो है नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। और इससे पहले जो है ये अवार्ड जो है इंडिया के ही RK चेट्टी पंडिपति को मिला था, और इन्हें जो है 2002 में ये अवार्ड दिया गया था, किसे? RK चेट्टी पंडिपति को। चलिए, आपके लिए कमेंट में करने के लिए क्वेश्चन है कि जावेद अख्तर को कौन सा अवार्ड दिया गया है, और किरण मजुमदार शो को भी कौन सा अवार्ड अभी दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है? राजस्थान, बिहार, ओडिशा और असम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा की सरकार ने जो है मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की है। इसमें एक्चुअली होगा क्या, तो जो भी जो जनजातीय वाले इलाके हैं वहाँ पे जो है ओडिशा की सरकार जो है लोगों को जो है खेल
के प्रति बढ़ावा देने के लिए, खेल की प्रतिभा ढूंढने के लिए जो है उड़ीसा की सरकार जो है वहाँ पर शैक्षणिक परिषद बनाएगी और उसे जो है खेल के जो भी टैलेंट वहाँ से निकल के आता है जनजातीय इलाकों से तो उनको वो ढूंढेगी। और अभी आपको जान मतलब इंडिया में जो है 75 जनजाति जो रह रहे हैं उसमें से जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 14 आप फाउंड कर सकते हैं वहाँ पे। वहीं पे उड़ीसा के कुछ हम जो है करंट अफेयर्स की बात करें तो मोहम्मद रफीक जो है अभी मुख्य न्यायाधीश बने वहाँ पे। मो जीवन और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में किया गया था। किसानों को अनुबंध कृषि की जो अनुमति है वो भी उड़ीसा ने दी थी। और जल जीवन मिशन के लिए उड़ीसा को जो है इंडिया सरकार की तरफ से मतलब केंद्र सरकार की तरफ से 445 करोड़ रुपया दिया गया था। और उत्कल जननी को जो है राज्यगान घोषित किया है उड़ीसा ने। और हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है पेटा की तरफ से उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दिया गया है। बात करें अगर उड़ीसा की तो आप मैप पर देख सकते हैं उड़ीसा है। गठन इसका 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी इसका भुवनेश्वर है। सीएम का नाम नवीन पटनायक और राज्यपाल का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। कोरोना संक्रमण से जे अन्ना सॉरी अनबा झगन का निधन हो गया, वह क्या थे? लेखक, विधायक, फिल्मकार और अभिनेता। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। वो जो है एक जो द्रमुक एक पार्टी है जो मेनली तमिलनाडु में है। तो द्रमुक पार्टी के ये जो है विधायक थे और इनकी उम्र जो है 62 वर्ष थी। और इनकी जो है कल मतलब 10 जून को जो है इनका कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गया है। और इंडिया के जो है ये पहले विधायक बन गए हैं जे अनबा झगन जिनकी जो है कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। AIU ने एथलीट गोमती मणिमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4 साल। जो AIU है मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसने जो है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के कारण गोमती मणिमुथु पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किसने बेंगलोर और चेन्नई में फ्लैगशिप प्रोग्राम तुरंत कस्टम लॉन्च किया है? तो CBIC, भारतीय नौसेना, भारत सरकार और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए CBIC। CBIC का मतलब क्या होता था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसरो जो है मतलब जो बाहर से आने वाले सामान को है उसको फास्ट मूविंग के लिए मतलब उसको कस्टम में ज़्यादा टाइम ना लगे उसके लिए बेंगलोर और चेन्नई में जो है इन्होंने तुरंत कस्टम प्रोग्राम लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ये जो है जो बाहर से आने वाले जो सामान है उसको जल्दी ही अलाउ कर दिया जाएगा उसको जाँच करके और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाया गया जाँच करने में, उसके लिए तुरंत कस्टम लॉन्च किया गया है। हाल में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मेघालय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात को जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान मिला है जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तीसरा और महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर आता है। वहीं पर गुजरात की बात करें तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान में गुजरात में शुरू किया गया था। उंबाड़े आंगनबाड़ी पहल जिसमें जो है आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है बच्चों के घर घर जाके उनसे कांटेक्ट कर रही थी तो वो पहल भी गुजरात में शुरू किया गया था। उसके बाद जो गुजरात की पुलिस इंडिया की पहली पुलिस है जिसने टेसर गन को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने टेसर गन का शुरुआत करने वाली पहली पुलिस कौन सी है? गुजरात की पुलिस है। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में मतलब छत पर जो सोलर लगाने के मामले में गुजरात जो है पूरे इंडिया में पहले नंबर पर है। गुजरात की बात करें तो आप मैप पर देख सकते हैं यहाँ गुजरात है जिसका इसका गठन जो है एक मिनट इसका गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था गठन। और राजधानी इसकी गांधीनगर है। सीएम का नाम विजय रूपानी है और राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। आज का अंतिम क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है दीपांकर दत्ता, जावेद इकबाल वानी, मोहम्मद रफीक और इंद्रजीत मोहंती। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को जो है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बाकी लोगों की तो दीपांकर दत्ता को हाल में है जो महाराष्ट्र में जो मुंबई हाई कोर्ट है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उसके बाद मोहम्मद रफीक को उड़ीसा में और इंद्रजीत मोहंती को जो है राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उनका जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।